प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे। अहंकार हट धर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा, ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है, आपकी कार्यवाही में, आपकी कार्यशैली में। काला कानून कोई भी सरकार लाएगा किसानों के खिलाफ में, उसे वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कानून की जरूरत नहीं है। आप कॉरपोरेट घराने को भरने का काम कर रहे हो। तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, ये उनके सहिष्णुता का, किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। कृषि कानून वापस हो गया सर, आज ऐलान किया है, उस पर क्या कहेंगे आप, खुद कृषि मंत्री रहे? देखिए, तो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, 3 कानून बनाया और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे, तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी, तो सब चीज़ तो स्पष्ट है, इसलिए उस मामले पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री समझाने के बाद उसके बाद उनका ये मन हो गया कि अब इसको हम वापस कर लेंगे और जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया, तब उसके बाद कोई प्रतिक्रिया थोड़ी हो सकती है। विपक्ष के लोग ये सवाल खड़े करते हैं, आरजेडी कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के लोग क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है और हर किसी को बोलने का अपना एक समय होता है, उनका अपना अधिकार होता है, तो अपना बोलते रहते हैं, लेकिन निर्णय जो है वो तो केंद्र सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है, जो निर्णय लिया है उसकी घोषणा कर दी, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया, हाँ बिल्कुल, जो उनको खुद ही लगा, उन्होंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया कि भाई तो लोगों के हित में लागू किया लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए तो हम अभी इसको विड्रॉ करते, तो उन्होंने खुद ही सब कुछ कह दिया, तो उसका तो कोई कमेंट हम लोगों का क्या, किसानों का नुकसान होगा सर इससे, किसानों का क्यों, उन्होंने खुद ही कह दिया है, एक एक बात कह दी है, किसानों के हित में अगर ये कानून था, अगर वापस लिया गया, आपको लगता है कि वो नुकसान होगा किसानों का? कानून वापस, वो अलग चीज है कि कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, कुल मिला करके उन्होंने आज निर्णय लिया और खुद ही सारी बातें रख ली, तो इसलिए उस पर कोई कमेंट ही नहीं है, सब ठीक होगा। हम लोगों के यहाँ जो किसान के लिए काम होता रहता है पहले से हो रहा है, आगे जारी रहेगा, तो वहाँ पर तो किसी तरह का कोई असंतोष है ही नहीं, वहाँ तो सारा काम चल रहा है, पहले से ही चल रहा है और आज भी चल रहा है बहुत तेज़ी से, और कृषि का जो विकास हुआ तो हम लोग देख रहे हैं, वो पूरे देश के बारे में जो सोच करके किया और फिर आज निर्णय लिया, तो ये तो निर्णय उनका है। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है, और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार हट धर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा, ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है, आपकी कार्यवाही में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए, ये किसान आंदोलनों की सफलता है, पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। यह तो काला कानून था ही, एक वर्ष से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी पंजाब में पदयात्रा में और किसान कानून का विरोध कर रहे थे, आज तो जीत भी है किसान भाइयों का, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का। आखिर ये काला कानून कोई भी सरकार लाएगा किसानों के खिलाफ में, उसे वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कानून की ज़रूरत नहीं है, आप कॉरपोरेट घराने को भरने का काम कर रहे हो, इसलिए एक काला कानून जो वापस लिया है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ हम अपने किसान भाइयों पर कि आपकी स्ट्राइक, आपका धरना, आपका आंदोलन आज सरकार को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। हम आग्रह करेंगे कि आप लोग ऐसे ही कभी भी ऐसा कानून आए तो आंदोलन करिए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, आदरणीय राहुल गांधी जी आपके साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को हम समझा नहीं पाए इसलिए हम वापस ले रहे हैं। ऐसा है कि कोई कानून बनता है जिस दिन से बना उसी दिन से विरोध हो रहा है, किसान भाइयों को समझा नहीं पाइएगा, वो तो अन्नदाता हमारे हैं, किसान तो हमेशा पूरे देश की जनता को अन्न देने का काम करते हैं, क्या वो बेवकूफ़ थे जो समझा नहीं पाए?
आपको किसान वापस आपको ये कानून लेना पड़ा इसलिए कि ये कानून गलत था। और आप बता दें कि चुनाव जब जब आता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ही काम करते हैं, कभी देश खतरे में है। आदरणीय इंदिरा गांधी जब थी और पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, दो फाक में टुकड़ा कर दिया था पाकिस्तान को, आप यह कह के जनता को गुमराह करके वोट लेते हैं। और आज किसान भाइयों का जो आंदोलन चल रहा था आप एक वर्ष तक ध्यान नहीं दिए। अभी आपको यूपी चुनाव और कोई चुनाव आता है तो उसके बाद आपको ध्यान लगता है, आप तो गलत काम कर ही रहे हैं। किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लिया है। ये उनके सहिष्णुता का, किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। उन्होंने किसानों के हित में ही ये कानून लाए थे और किसानों के डिमांड पर ही उसको वापस भी किया है। ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और किसानों के हित के लिए वो रात दिन लगे रहते हैं, किसानों के हित को ही सर्वोपरि मानते हैं और किसानों के लिए ही वो अपना सर्वोच्च इस देश में न्यौछावर करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि बिल को इस देश में वापस लिया है और किसानों के लिए अपना विशाल हृदय का परिचय दिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।